सॉरी यार, वीडियो कट हो गई थी। वो नोटिफिकेशन एक आ गया था तो उसको मैंने ओके किया। वीडियो वीडियो कट होगी, जो भी सीन है। दोबारा मैं टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैं ना जो तेल वाले हैं ना टिकटॉकर्स, मैं उनके पास गया, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक ऑयल है, मतलब एक ऑयल आपने ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है। दो तीन चीज़ें उन्होंने बताई, ये अभी नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स करोगे, मैं फिर बताऊँगा। वैसे मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, ठीक है। बात कंप्लीट बताऊंगा, लेकिन जो मेन अंदर बातें हैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे कमेंट्स चाहिए, मुझे लाइक्स चाहिए, तो मैं भाई उसके लिए सब कुछ करूंगा। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं, ये आपको फलां जगह से मिलेंगी, उनको ऐसे लेके आओ, ये करो, तो उनका जो ऑयल बनेगा ना वो अपने बालों पर लगाना है। और लगाने का तरीका भी उन्होंने बताया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपने शैम्पू यूज़ करना है या नहीं, कौन सा सोप यूज़ करना है या नहीं, या क्या बालों पर लगाना है या नहीं, ये भी मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है, मजाक कर रहा हूँ। तो ये कमेंट्स करोगे फिर बताऊँगा। अच्छा, मैंने वो सब कुछ किया। उन दिनों में थी मेरे कज़न की शादी, तो मैंने सोचा कि भाई अगर इस हालत में मैंने शादी पे जाना है ना, तो मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि आपका भाई यूट्यूबर भी है, सारे सीन ओके हैं, तो भाई बहुत बुरा लगेगा। मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई जैसे तैसे भी है ना, शादी गुजर लेने दो, फिर जो है ना हेड शेव वगैरह करवा देंगे, सर्दियाँ वैसे भी कैप शैप पहन लेंगे, एक चलेगी, तो जो है ना ओके कर देंगे। मैंने जैसे तैसे भी था ना वो शादी वगैरह अटेंड की। शादी पे फिर से वो जो स्प्रे होती है बालों वाली, वो यूज़ की, जेल नहीं थी लगाई, स्प्रे वगैरह यूज़ की थी। तो मतलब शादी के आपके भाई ने A1 जो है ना ओके वाली, सही मतलब अच्छे वाली शादी स्पेंड की, बहुत मज़ा आया शादी पे। तो क्योंकि मैंने वो ड्रेसिंग भी शैसी करनी थी कि बाल ऊपर जो है ना बड़े प्यारे लग रहे थे। अगर आप चाहते हो पिक्चर्स वगैरह देखना, वीडियोस वगैरह, तो कमेंट्स करोगे तो फिर ही मिलेगा भाई, वैसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको ना वो टिकटॉक की ट्रिक्स भी बतानी थी, अभी नहीं बताऊँगा, अभी मैं बताने लगा था लेकिन नहीं बताऊँगा, तब तक नहीं बताऊँगा जब तक एम रखते हैं जी इस वीडियो पे 500 व्यूज़ का एम रखते हैं। अगर 500 व्यूज़ आ गए और लाइक्स अच्छे वाले हुए तो देन आई विल अपलोड, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करना, वीडियो अपलोड कर दूंगा, सारी ट्रिक्स बता दूंगा, नो टेंशन। अच्छा जी, फिर क्या सीन हुआ, कहाँ पे पहुँचे थे, हाँ शादी वगैरह मैंने अटेंड की। मुझे फिर किसी ने ये बोला कि आप ना, आपको ना वो जी वो बाल झाड़ का मसला है, वो एक बाल होता है उसको अगर उतार दें तो फिर वो बाकी बाल आपके बच जाते हैं, ये है वो यूं करके शुरू होता है, फिर वो फैलता जाता है ऐसे वैसे। मैं कहा यार ये क्या है, पर मैंने ना कोई ट्राई नहीं छोड़ी। मैंने बोला ठीक है जी, ट्राई मारेंगे, फलां शॉप है उधर जाओ, मैं उधर चला गया। उन्होंने बोला मेरे बाल शाल चेक किए, उसने बाल बड़े थे, उन्होंने बाल वगैरह चेक किए, कुछ भी नहीं निकला। तो कहते आपको सिर्फ डेंड्रफ वगैरह है, तो आप जो है ना बाल छोटे करवा दें या हेड शेव करवा दें, टिंट करवा दें। मैंने बोला यार क्या मसला है यार, आ जाकर टिंट पे बात खत्म हो रही है। मैंने फिर सोचा यार कोई गड़बड़ी ना हो, कोई इंटरनल इशू, मतलब कि यार मैसेज आ रहे हैं, एक मिनट ज़रा। तो मैंने बोला कोई इंटरनल इशू ना हो, कोई विटामिन शिटामिन ना कोई काम हुए हो। मुझे एक दो दोस्त ने बोला यार आप चेकअप करवाएं, डॉक्टर्स डॉक्टर के पास जाएं, आपके बहुत स्पीड के साथ बाल बाल गिर रहे हैं। मैं लो जी डॉक्टर के पास चला गया। कौन से हॉस्पिटल गया, किस डॉक्टर के पास गया, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। अगर आप लोग चाहते हो कमेंट्स करो, देन आई विल पोस्ट न्यू वीडियो अबाउट दिस टॉपिक, फॉर दिस टॉपिक, जो भी सीन है। तो सीन क्या हुआ जी, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने फ़ीस वगैरह पे की, सब कुछ किया। उन्होंने मुझे जितने की फ़ीस थी उससे डबल ट्रिपल पाई उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी। मैंने सोचा यार ये तो पैसे ज़ाया होते जा रहे हैं, क्या करूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने फिर भी सब कुछ करके ट्राई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये ऑयल यूज़ करें, मैंने गूगल सर्च मारा, मैंने यूट्यूब सर्च मारी, ऑयल सर्च किए, ये ऑयल वो ऑयल, जिस जिस बंदे के पास गया हूँ उसने अपनी अपनी डिफरेंट राय दी है। अगर इसके पास गया उसने बोला ये ऑयल यूज़ करो, उसके पास गया उसने बोला ये ऑयल ना यूज़ करो, ये यूज़ करो, भाई सब ने डिफरेंट दिए। इतनी बातें हैं, मैं क्या क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन इतना बताऊँगा कि हर एक बंदे ने अपनी फ़िलासफ़ी जाड़ी है। डॉक्टर्स ने भी, ये जो हकीम टाइप होते हैं इन्होंने भी, ये जो सलोन वाले होते हैं इन्होंने भी, मतलब हर एक बंदे ने अपनी अपनी फ़िलासफ़ी जाड़ी। मैं सुनता गया, मैं कहा ठीक है भाई सुनाते जाओ, आपको क्या पता कि मैं कहाँ कहाँ से घूम के आ रहा हूँ, लेकिन ठीक है लगे रहो सही जा रहे हो। फिर क्या हुआ जी, फिर मैंने डॉक्टर के पास भी गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बोला कि भाई बस मजाक बहुत हो गया, बाल अब गुड बाय करते हैं इनको। मैंने फिर लो जी
ना इधर देखा ना उधर देखा, बैठा हुआ था, सोचा मैंने, बोला ये भी कर लिया वो भी कर लिया, आखिरी हल क्या है, आखिरी हल यही है कि भाई हेड शेव करवाई जाए। सो मुझे मतलब सब यही कह रहे थे कि यार इसका हाल यही है, जो पुराने बंदे होते हैं जो बड़े होते हैं वो भी यही कहते हैं कि यार इसका हाल यही है, तुम्हें डैंड्रफ है, डैंड्रफ तुम्हारे नीचे वाले बालों को ऊपर आने नहीं दे रही और तुम्हें जो है ना वो बालों, तुम्हारे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, बाल बाल वगैरह वीक होते जा रहे हैं, ये वो जो भी सीन है। मैं लो जी फिर गया हेड शेव की, मैंने वीडियो भी अपलोड की है मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं फिर गया, मैंने जाके बोला कि भाई जान टेंड कर दियो। उन्होंने भाई फिर उनको पता था कि इसने आ जाके यही करवाना, क्योंकि मैंने उनको बोला था, मैं जब उस सैलून पर गया था ना तो मैं रेडी वगैरह वहीं से हुआ था, उसी वो एक छोटा सा ना पॉलर टाइप बना हुआ है, तो मैं उसी पॉलर से ही रेडी हुआ था, मतलब वेडिंग के लिए शादी के लिए। तो मैंने फिर उनको बोला, उन्होंने हेड शेव कर दी, एक बार मैंने करवाई, फिर मैंने दूसरी बार करवाई, और अभी दो बार मैं करवा चुका हूँ। अभी देख रहे हो छोटे छोटे बाल है मेरे, अभी भाई कल आपका भाई फिर जा रहा है, कल फिर न्यू वीडियो आएगी, फिर हेड शेव करवाऊँगा, फिर टिंड करवाऊँगा, तीन बार होगी और चौथी बार फिर करवाऊँगा। दो बार करवा दी, ये दो बार रहती है, दो बार फिर से करवाऊँगा, और फिर अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो रहने दूंगा, अगर ना अच्छा मिला फिर करवा दूंगा, मुझे मुझे टेंशन नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस बंदे ने प्यार करना होता है, जिस बंदे ने लाइक करना होता है ना, वो इस हालत में भी कर लेता है, टेंशन नहीं है। जो लॉयल फैंस हैं, जो अच्छे वाले फैंस हैं, जो जिन्हें दिल से प्यार करना, जिन्हें दिल से रिस्पेक्ट करनी होती है, दिल से सब कुछ करना होता है, तो भाई वो लोग इन चीज़ों को नहीं देखते। इंसान गरीब हो अमीर हो बंदा नहीं देखता, ठीक है, बाल सर पे हैं नहीं है नहीं देखता, जिस बंदे ने सच्चा प्यार करना है। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों का भी ये मसला है, ये इशू आ रहा है, तो भाई मिनट ना लगाओ, टिंड करवा दो। अगर ज़्यादा कोई टेंशन है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, अभी मैं स्क्रीन पे नहीं दूंगा, नोट कर लो, 0303452614। ये नंबर मेरा परमानेंट ऑन होता है, नंबर ना मिले फिर भी मेरा नाम ही गूगल पे सर्च मारो, जहाँ भी सर्च मारोगे मेरा नाम भी आएगा, मेरा नंबर भी आएगा। नंबर सर्च मारोगे नाम पिक्चर्स आ जाएगी, पिक्चर्स वो नाम सर्च मारोगे नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं। हर जगह पे मेरा नंबर जो है वो अवेलेबल है, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब टिकटॉक हर जगह पे अवेलेबल है, टेंशन नहीं किसी बात की। अगर कोई क्वेश्चन करना है, सवाल पूछना है, मुझे करो, कमेंट्स कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फेसबुक पे कर देना, जहाँ दिल चाहे मैसेज कर देना, आपके हर एक मैसेज का, आपके हर एक कमेंट का आंसर दूंगा। मुझे भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा, मैं जा रहा हूँ कुछ खाने पीने। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक मारो, दिल करे तो कमेंट करो, नहीं करना तो फिर भाई मर्ज़ी है आप लोगों की। तो मैंने सोचा था कि यार सब लोग पूछ रहे थे, अच्छा रिस्पांस का बता दूँ, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। पहले जो बाल थे वो थे थोड़े वीक, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बाल आ रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ऐसे हार्ड बाल है मेरे, ये मतलब फुल टाइम हार्ड है, मैं कैसे बताऊँ आपको, ऐसे ऐसे कांटे नहीं होते उस तरह समझ लो, हार्ड है फुल टाइम। और डैंड्रफ अभी भी आई है, देख सकते हो, आई थिंक आपको नज़र आ रही होगी, डैंड्रफ अभी बहुत ज़्यादा है, हालांकि छोटे बाल हैं फिर भी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है। तो सही क्या, ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग अपलोड कर दिए चेक मार लेना, सही है, ओके अल्लाह हाफिज़। कोई भी टेंशन है, कोई भी मसला है, मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मेरे मेरा हर एक अकाउंट अमीर सलमान भट्ट इसी नाम से अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।